हेलो गाइस, वेलकम टू नेहराज किचन। आज हम आलू की सब्जी बनाएंगे। तो आलू की सब्जी हम कई तरीकों से बना सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको बॉइल्ड आलू की ग्रेवी वाली सब्जी बताऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज हम उबले हुए आलू की सब्जी बनाएंगे, और इसके लिए मैंने 6-7 मीडियम साइज के आलू हैं वो उबलने के लिए रख दिए हैं। हमने जो आलू बॉईल होने के लिए रखे थे वो बॉईल हो गए हैं, और इनको मैंने कट भी कर लिया है। इसके साथ ही और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स मेरे को चाहिए थे वो भी मैंने तैयार कर लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, ये मैंने लहसुन है इसको कूट लिया है, यहाँ पे थोड़े से मैंने ग्रीन प्याज की जो पत्तियाँ होती हैं उनको कट करके लिया है, और 1 हरी मिर्ची ली है, और 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज लिए हैं। इसके अंदर मैंने 3 लौंग ली हैं और 2 मैंने छोटी इलायची ली है, उनके बीज निकाल लिए हैं। जब भी आप लौंग किसी चीज़ में डालें तो इसके जो ऊपर की कैप है वो ज़रूर निकाल दें, इससे लौंग की तासीर है वो ज़्यादा गर्म होती है, तो उसको ज़रूर तोड़ दें। तो मैंने लौंग के टुकड़े कर लिए हैं यहाँ पे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब गैस को मैंने ऑन कर दिया है और इसके ऊपर पैन रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए, और अब इसके अंदर मैं ऑयल डाल देती हूँ। तो 1.5 बड़े चम्मच मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल में ही सब्जी बनाती हूँ। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी हम हींग डाल देंगे, और जो लौंग इलायची के दाने लिए थे मैंने वो भी डाल देते हैं। अब इसके अंदर मैं हरी मिर्ची और प्याज भी डाल देती हूँ। आपके पास अगर ग्रीन प्याज है तो आप ग्रीन प्याज डालिए, मेरे पास ग्रीन प्याज नहीं थे, क्योंकि ग्रीन प्याज से सब्जी का टेस्ट है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, तो आप ग्रीन प्याज ही डालें अगर आपके पास हो तो। प्याज को हम ब्राउन होने तक भून लेंगे। यहाँ पे जो मैंने कुटा हुआ लहसुन लिया है इसी के अंदर मैं मसाले डालकर मिक्स कर लेती हूँ। मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा लाल मिर्ची ली है, और 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैं हल्दी पाउडर ले रही हूँ, और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। अब इसके अंदर पानी डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे। प्याज भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब इसके अंदर हम मसाला डाल देते हैं। थोड़ा सा हम बॉल को धोकर इसके अंदर डाल देंगे। और अभी हम इस मसाले को अच्छी तरीके से पकने देंगे। मसाला पक चुका है, अब इसके अंदर हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं, अब इसके अंदर बॉईल किए हुए आलू डाल देते हैं और इसे हम मिक्स कर देंगे। आप भी एक बार बॉईल किए हुए आलू की सब्जी इस तरीके से बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। और उसके बाद में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी सब्जी कैसी बनी है। अब इसके अंदर हम थोड़ा पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 गिलास से ज़्यादा पानी डाला है, क्योंकि आलू है तो आलू पानी को सोख लेते हैं। वैसे तो हमने पहले से बॉईल कर रखा है, लेकिन थोड़ा सा बॉईल हम और करेंगे ताकि मसाला है वो आलू के अंदर चला जाए, और बाकी पानी आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डाल सकते हैं, या फिर कम चाहिए तो कम डाल सकते हैं।
अभी कुछ देर के लिए हम हाई मीडियम पे इसको पकने देंगे, ढक्कन लगा देते हैं। सब्जी को 5 मिनट हो गई है पकते हुए, एक बार चेक कर लेते हैं हम। इसके अंदर थोड़ी सी प्याज की जो स्प्रिंकल्स होते हैं वो भी डाल देती हूँ। थोड़े से मैंने बचा लिए हैं इसको गार्निश करने के लिए। सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और दूसरे बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये लीजिए, आलू की टेस्टी सी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। ये ग्रीन प्याज के जो स्प्रिंकल्स हैं इनसे गार्निश कर देते हैं और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं कटा हुआ। अब हमारी सब्जी वो पूरी तरीके से सर्व करने के लिए तैयार है। इसको हम पूरी, पराठे या चपाती के साथ में सर्व कर सकते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में, और मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।